बेसिक जूलॉजी में कोड जू 101 में आज हम पढ़ेंगे पोल्ट्री फार्मिंग डिफिनीशन टाइप्स प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट एंड इम्पोर्टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट पोल्ट्री। व्हाट इज पोल्ट्री? द पोल्ट्री इंडस्ट्री विथ इट्स प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ एग्स एंड मीट। जैसा कि हम जानते हैं कि मुर्गी पालन से हम मीट प्राप्त करते हैं और हमारे बहुत सारी पॉपुलेशंस जो है मीट को फीड करती है, तो एक बड़े पैमाने पे इसका पोल्ट्री फार्मिंग हो रही है आज के डेट में। इज ऑफ पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन इन प्रोवाइडिंग ए बैलेंस डाइट फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन। डाइट्स में ह्यूमन पॉपुलेशन देखा जाए तो हर्बीवोरस भी है और कार्निवोरस है, यानी जो पॉपुलेशंस की डाइट है वो हर्बीवोरस भी है और कार्निवोरस है। तो मुर्गे की जो मीट होता है जिसको पोल्ट्री फार्मिंग के तहत हम लोग प्राप्त करते हैं, इसको फीड किया जाता है। इकोनॉमिकली भी इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पोल्ट्री इन्वॉल्व्स इन्हेंस्ड मेथड ऑफ रियरिंग हैचिंग हाउसिंग सेनिटेशन प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज एंड ए साउंड मार्केटिंग अरेंजमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग के लिए बहुत सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखा जाता है, जैसे मेथड्स ऑफ रियरिंग हैचिंग हाउसिंग सैनिटेशन प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज एंड साउंड मार्केटिंग अरेंजमेंट। इन दिस आर्टिकल वी विल लर्न ए लॉट ऑफ फैक्ट्स अबाउट पोल्ट्री फार्मिंग बर्ड्स यूज इन दिस प्रैक्टिस, कि कौन सी बर्ड्स को हम यूज़ कर रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग में प्रोडक्ट्स में। मैनेजमेंट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पोल्ट्री। सो लेट्स बिगिन विथ आवर जर्नी टू लर्न विथ फन। तो इसमें देखेंगे हम, इसे लिखा गया है कि डिफाइन पोल्ट्री। पोल्ट्री को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। लिखा है पोल्ट्री कैन बी डिफाइन एज द रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल्स सच एज चिकन गीस डक्स टर्की एंड सम वैरायटी ऑफ पिजन फॉर देयर मीट एंड एग्स कैन बी डन फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज स्केल। जैसा कि हम जानते हैं इसमें कहा गया है कि ब्रीडिंग को हम डोमेस्टिक फाउल्स में किसका किसका कराते हैं, तो देख सकते हैं चिकन है गीज है डक्स बत्तख टर्की एंड सम वैरायटी ऑफ पिजन, कुछ कबूतर की प्रजातियां हैं। फॉर देयर मीट, उनसे हम मीट प्राप्त करते हैं एंड एग्स, एग्स को भी हम यूज़ करते हैं। कैन बी डन फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज स्केल, छोटे अथवा बड़े पैमाने पे हम इसको यूज़ करते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग इज ए मेथड वेयर द बर्ड्स आर रेज्ड डोमेस्टिकली और कमर्शियली फॉर देयर मीट एंड एग्स। तो बर्ड्स से हमको दो चीज़ें प्राप्त होती हैं, एक तो उनका मीट मिल जाता है और दूसरा हमको एग्स भी इस्तेमाल करने के लिए मिल जाता है, जो काफ़ी न्यूट्रिशनल वैल्यू रखता है। एंड आल्सो फॉर देयर फेदर्स, और उनके जो पंख हैं उसको भी हम यूज़ में लाते हैं कॉमर्शियल पर्पज़ पे, फुल स्टॉप। आगे देयर आर सम इम्पॉर्टेंट बर्ड्स, कुछ इम्पॉर्टेंट बर्ड्स हैं दैट आर कॉमनली फॉर्म्ड इन पोल्ट्री। पोल्ट्री में जिनको हम फॉर्म करते हैं जस्ट लाइक चिकन टर्की गीस एंड डक्स। इन कॉन्ट्रास्ट अदर बर्ड्स, इसकी तुलना में कुछ अन्य बर्ड्स हैं लाइक यूनिया फाउल एंड स्क्वैप्स आर नॉट दैट कॉमनली फॉर्म्ड, इसको हम फॉर्म्ड नहीं कर सकते पोल्ट्री के रूप में। मोस्ट नॉन वेजिटेरियन पीपल फाइंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स सच एज अ चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एनिमल्स। जैसे कि कुछ नॉन वेजिटेरियन पीपल्स जो हैं वो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं जो कि चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन है। दस इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट इन एनिमल हस्बेंड्री। देयर मीट प्रोड्यूसिंग पोल्ट्री बर्ड्स आर कॉल्ड ब्रोलियर्स एंड द एग्स लेइंग फीमेल बर्ड्स आर कॉल्ड लेयर्स। पोल्ट्री बर्ड्स बेनिफिट्स ह्यूमन इन मेनी वेज। पोल्ट्री बर्ड्स जो होती हैं वो ह्यूमन्स को कई तरीके से लाभ पहुंचाती हैं, एज दे आर नॉट ओनली इफिशियंट कन्वर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स बट आल्सो प्रोवाइड्स एग फेदर्स एंड रिच मैन्योर।
जिससे कि हम खाद का भी इस्तेमाल करते हैं। टाइप्स ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स, तो आइए हम देखते हैं कि टाइप ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स में कौन कौन सी बर्ड्स हैं। देयर आर मेजर 6 टाइप्स ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स फार्म्ड कॉमनली ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें से जो है 6 टाइप्स की पोल्ट्री बर्ड्स को हम फार्म करते हैं ओवर वर्ल्ड में। टू नो मोर अबाउट दीज कंटिन्यू रीडिंग, जिसको कि हम आइए कंटिन्यू देखते हैं रीड करके। फर्स्ट है चिकन, आप लोग चिकन के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसका काफ़ी यूज होता है। चिकन इज द मोस्ट वाइडली डोमेस्टिकेटेड फाउल फॉर इट्स मीट एंड एग्स। सबसे ज़्यादा हम जो है वाइडली जो डोमेस्टिकेटेड फाउल्स का मीट और एग्स यूज करते हैं वर्ल्ड वाइड में, पूरे संसार में। चिकन मीट इज़ द मोस्ट कंज्यूम्ड मीट थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में जो है चिकन का मीट बहुत ज़्यादा मात्रा में खपत होता है या कंज्यूम किया जाता है। दिस इज़ द रीज़न दैट द चिकन मीट मार्केट हैज़ ग्रोन एक्सट्रीमली हाई इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। हम कुछ सालों में देख सकते हैं जो बीते सालों में, कि इसका कारण यही है कि चिकन का मीट जो है मार्केट में काफ़ी मात्रा में हाई पैमाने पर कंज्यूम किया जा रहा है, जिसके कारण इसको प्रीफर किया जाता है। द एक्सपोर्ट रीचिंग नियरली मिलियन मेट्रिक टन्स बाय द अर्ली सेंचुरी। इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री मीट। जो हमारा देश इंडिया है, भारत है, वह पूरे संसार में देखा जाए तो 5वें नंबर पे है पोल्ट्री फार्मिंग या पोल्ट्री प्रोडक्शन के रूप में। SL चिट्टागोंग बासरा एंड चगस आर सम कॉमन इंडिजिनस ब्रीड्स फाउंड इन इंडिया। इसकी कुछ इंडिजिनस स्पीसीज हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं ब्रीड्स की, जैसे चिट्टागोंग बासरा और चगस। द एक्सोटिक ब्रीड्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। जो एक्सोटिक ब्रीड्स हैं उसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहला लिखा गया है अमेरिकन, एग्जाम्पल में दिया है वेंटोटल जर्सी। दूसरा है इंग्लिश में, एग्जाम्पल है रेड कार। एशियाटिक में एग्जाम्पल लिखा है लैक्सन एंड मेडिट्रेन में एग्जाम्पल है लेगोर। सेकंड पे आता है टर्की, तो देखेंगे हम इसमें प्रोडक्शन ऑफ टर्की बिकम्स हाईली स्पेशलाइज्ड आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड विथ लार्ज फ्लॉक्स। कनाडा इज नोन फॉर रेजिंग टर्की इन ए लार्ज नंबर ऑफ टर्कीज आर आल्सो रेज द यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको एट्सेट्रा। मोस्टली टर्कीज आर कमर्शियली ग्रोन आउट अंडर इन्वायरमेंटल कंट्रोल्ड कंडीशंस इन रियरिंग हाउसेस। दे कैन आल्सो बी रेज्ड इन लैंड विथ ऑटोमेटिकली वेदर्स फेंस्ड सेटल्स सेफ फीडर्स एंड रोटेट पैस्चरस। तीसरे नंबर पे आता है डक्स एंड गीज। जैसा कि आप जानते हैं बत्तख, रेजिंग ऑफ डक्स इज प्रैक्टिसाइज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज। सभी कंट्रियों में डक्स की रेसिंग को भी प्रैक्टिसाइज किया जा रहा है, बट ऑन ए लिमिटेड स्केल, लेकिन ये छोटे पैमाने पे। डक नॉट ओनली प्रोवाइड डिजायरेबल एग्स एंड मीट। डक्स से हम जो है डिजायरेबल एग्स, अपनी इच्छानुसार एग्स और मीट नहीं प्राप्त कर पाते हैं, बट इट आल्सो हेल्प्स टू कन्वर्ट सम वेस्ट प्रोडक्ट एंड स्कैटर्ड ग्रेन्स इंटू न्यूट्रिशनस कंपाउंड्स। दे आर ऑल्सो इजिली ट्रांसपोर्टेड। खाकी कैंपबेल एंड इंडिया रनर डक्स आर लेयर्स दैट प्रोड्यूस अराउंड न्यूमरस एग्स पर ईयर्स ईच। द पीकन डक इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रीड्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स यूज फॉर बोथ एग्स एंड मीट प्रोडक्शन। जो गुलाबी रंग का बत्तख होता है उसको हम देख सकते हैं कि ये पॉपुलर ब्रीड्स होती है यूनाइटेड स्टेट्स की, जिसका यूज दोनों एग्स तथा मीट्स के लिए किया जाता है। गूस रेजिंग इज अ माइनर फॉर्म इंटरप्राइज
except in some European countries that have large-scale production of these birds, Tholos and Emberdon are the two most important breeds of goose which are commonly raised for their meat and feathers. कुछ रेस्ट आपको दी गई हैं. Tholos and Emberdon are the most important breeds of goose. Goose की दो breeds हैं, Tholos and Emberdon, जिसका कम हम यूज करते हैं मीट और एग्स के लिए, और इसका फेदर का भी हम इस्तेमाल करते हैं, इनके पंखों का भी हम उपयोग में लाते हैं. नेक्स्ट फोर्थ स्पीसीज है ग्यूनिया फाउल एंड स्क्वैप्स. ग्यूनिया फाउल्स एंड स्क्वैप्स दीज आर सॉरी दे आर रेस्ड इन यार्ड्स विथ ओपन फ्रंटेड स्लेटर्स सेल्टर्स. इनके जो सेल्टर्स होते हैं वो खुले होते हैं, ओपन होते हैं, यार्ड्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं. एंड मेनी वैरायटी एंड स्पीसीज ऑफ दीज बर्ड्स आर यूटिलाइज थ्रू आउट द वर्ल्ड. इसकी बहुत सारी स्पीसीज है, वैरायटीज, जो कि पूरे वर्ल्ड में यूटिलाइज की जा रही है, उपयोग में लाई जा रही है. देन नेक्स्ट पेज पे आते हैं. पिजन्स आर रेस्ड फॉर द मीट एंड आर कॉल्ड स्क्वैप्स. दे हैव पिजन्स की भी कुछ रेस्ड हैं जिसको हम मीट्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं. दे हैव एन स्टेबलाइज्ड पोल्ट्री इंडस्ट्री इन मोस्ट कंट्री एंड द प्रोडक्शन इज कैरीड आउट लोकली. दिस मीट इज ऑल्सो सोल्ड एज अ गवर्नमेंट आइटम्स. नेक्स्ट हम आते हैं पोल्ट्री प्रोडक्ट्स पे, कि क्या क्या पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको हम देख सकते हैं. दो एग्स एंड मीट आर द मेन बाई प्रोडक्ट्स ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग. पोल्ट्री फार्मिंग के दो मुख्य बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, पहला तो एग्स और दूसरा मीट. फेदर्स ऑफ सम बर्ड्स, कुछ बर्ड्स के पंख भी हम यूज़ करते हैं बहुत सारे पर्पज के लिए. फेदर्स ऑफ सम बर्ड्स आर ऑल्सो यूज फॉर वेरियस पर्पज. जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में, इसको हम आप विलेज में गांव-गांव में जाके देख सकते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग कैसे किया जाता है. चारों तरफ से बाउंड्री होती है, बाउंड्री वाल के अंदर इसको हम प्रोडक्शन कराते हैं. एक प्रोडक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग. पोल्ट्री फार्मिंग का जो मुख्य इम्पॉर्टेंट ट्रेट लक्षण है वो क्या है, एक प्रोडक्शन है, अंडे को प्रोडक्शन, अंडे का उत्पादन. ए लेयर स्टार्ट्स लेइंग एग्स अराउंड द एज ऑफ 26 वीक्स. लगभग 26 सप्ताह के एज के बाद जो है एग लेइंग स्टार्ट हो जाती है. द प्रोडक्शन पीरियड ऑफ एग्स इन द कमर्शियली लेयर इज अप्रॉक्सीमेटली 500 डेज. एग्स का पीरियड है प्रोडक्शन का, वो कमर्शियली में देखा जाए तो लगभग 500 डेज, ऊपर 26 वीक्स दिया गया है. इन ऑर्डर टू डेवलप न्यू वेराइटी आर टू इम्प्रूव चिकन विथ रिस्पेक्ट टू क्वान्टिटी एंड क्वालिटी ऑफ एग्स, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर नीडेड टू बी कंसिडर्ड. पहला है, इसमें पाँच चीज़ों की निम्नलिखित कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि सेक्सुअल मेच्योरिटी उसकी है कि नहीं है, एक देने की कैपेसिटी, एक नंबर, बॉडी वेट उसका सही है कि नहीं है, एक्स की साइज क्या है, द इंटरनल क्वालिटी ऑफ एक्स की इंटरनल क्वालिटी क्या है. हम एक प्रोडक्शन में इन बातों का ख्याल रखते हैं. देन हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, छठवें नंबर पे लिखा है फीड एफिशिएंसी. फीड की जो तीव्रता है वो क्या है, एक्स शेप जो अंडे की आकृति है वो कैसी है, एंड सेल क्वालिटी, जो ऊपर अंडे के एक कवच होता है जिसको हम सेल नाम देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का एक बना होता है, तो उसकी क्वालिटी क्या है, इतनी चीज़ों का हम एक प्रोडक्शंस में ख्याल रखते हैं. फॉर सम डिजायरेबल क्वालिटी फाउल्स इन इंडिया आर क्रॉसबर्ड. द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन ब्रीड्स फॉर वैरायटी इम्प्रूवमेंट आर फोकस्ड ऑन डेवलपिंग न्यू वैरायटीज. फॉर एग्जांपल, एक्सोटिक बर्ड्स लाइक लेंग्रोन इज क्रॉस्ड विथ इंडिजीनस ब्रीड्स लाइक एसएल. जो एक्सोटिक ब्रीड्स होती है लेंग्रोन, उसको हम क्रॉस कराते हैं इंडिजीनस ब्रीड्स एसएल से टू डेवलप रिक्वायर्ड ट्रेट्स सच एज. हम अपनी जरूरत के अनुसार से लक्षणों को प्राप्त करने के लिए इसको ब्रीड कराते हैं.
जैसे कि स्मॉल साइज्ड एग लेइंग बर्ड्स, ऐसी हमको बर्ड्स मिले जो स्मॉल साइज्ड का एग्स प्रोड्यूस करें, इंक्रीज्ड इन नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, एग्स की संख्या में भी वृद्धि हो और चिक्स की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो, इसके लिए हम जो है क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं। रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज, जो रोगों से लड़ने की क्षमता रखे एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सके। ड्वार्फ पैरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन, ड्वार्फ पैरेंट को हम यूज़ करते हैं क्योंकि कमर्शियल चिक प्रोडक्शन के लिए ड्वार्फ पैरेंट ज़रूरी होता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को हम देखेंगे। देर आर सम एग्स कॉल्ड वेजिटेरियन एग्स, हैंस कैन ले एग्स विदाउट कॉक, हैंस जो है एग दे सकती है बिना कॉक के, एंड दीज एग्स आर कंसिडर्ड टू बी इनफर्टिलाइल एग्स, और ऐसे एग्स जो होते हैं क्या होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं, यानी वो फर्टाइल नहीं होते हैं, यानी उसमें कोई भी जाइगोट नहीं होता है। इनफर्टाइल एग्स हैव ए क्वालिटी ऑफ नॉट रोटिंग ईजली एज कंपेयर टू फर्टाइल एग्स, हैंस द प्रोडक्शन ऑफ इनफर्टिलाइल एग्स इज मोर डिजायर इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में जो है इनफर्टिलाइल एग्स की काफ़ी आवश्यकता होती है, या कह सकते हैं कि हम इच्छा होती है, इसलिए हम उसको ऐसे लेते हैं। ब्रोलियर प्रोडक्शंस में हम देख सकते हैं, दे आर प्रोवाइडेड विथ न्यूट्रिएंट रिच फूड सप्लीमेंट्स दैट हेल्प्स देम इज फास्टर ग्रोथ। जैसा कि हम जानते हैं कि चिक के ग्रोथ के लिए कुछ ब्रोलियर प्रोडक्शंस, ऐसे न्यूट्रिएंट रिच फूड्स सप्लीमेंट्स का यूज़ किया जाता है जिससे कि अपनी साइज को तेज़ी से वृद्धि कर सकें और डेवलप कर सकें। दीज सप्लीमेंट्स आर मोस्टली रिच इन विटामिन्स दैट इंक्रीज द ग्रोथ रेट एंड प्रमोट बेटर फीड इफिशियंसी। जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो विटामिन रिच होते हैं जिससे कि उनकी साइज इंक्रीज कर सके तेजी के साथ और बेटर फीड इफिशियंसी हम उसको सप्लाई करें। प्रॉपर केयर इज टेकन टू इनेबल फेदरिंग एंड प्रिवेंट मोर्टेलिटी। दीज चिकन्स आर देन सेंट एज ब्रोलियर्स टू मार्केट एंड सोल्ड एज मीट। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, ए गुड मैनेजमेंट सिस्टम इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। दीज प्रैक्टिसेस आर ऑफ्टन डिफरेंट फॉर एग्स लेयर एंड ब्रूडर्स। हाउसिंग एंड सेल्टर्स हम देखेंगे। ए क्लीन ड्राई वेल वेंटिलेटेड एंड इल्यूमिनेटेड हाउस दैट कैन प्रोवाइड कम्फर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द बर्ड्स इज नेसेसरी फॉर ऑप्टिमम मील्ड। ऑप्टिमम मील्ड के लिए ज़रूरी ये होता है कि बर्ड्स को जहाँ हम पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं वो जगह ड्राई होनी चाहिए, वेल वेंटिलेटेड पूरी तरह से हवादार होना चाहिए, एंड इल्यूमिनेटेड हाउस दैट कैन प्रोवाइडेड कम्फर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द बर्ड्स। दूसरा है बर्ड्स ऑफ डिफरेंट एज लाइक ग्रोइंग एग लेइंग एंड ब्रूडिंग शुड बी हाउस्ड सेपरेटली। अलग अलग साइज की जो एग्स होती हैं उनको हमको अलग अलग रखना चाहिए जैसे कि हम उसके ग्रोथ को देख सकें, एग लेइंग को कंसिडर कर सकें। थर्ड नंबर पे आता है पोल्ट्री बर्ड्स आर केप्ट इन वायर केजेस आर परमानेंट बर्ड्स ब्रिक हाउसेस विथ सॉलिड फ्लोर्स। द फ्लोर ऑफ द पोल्ट्री हाउस शुड बी कवर्ड विथ ए लिटिल ऑफ सम ड्राई एब्जॉर्प्टिव मटेरियल लाइक पैडीरस चॉप्ड स्ट्रा सार्डस्ट एट्सेट्रा। जो उसके फ्लोर होते हैं उसको हमको या तो चॉप्ड स्ट्रा से या कुछ पैडी हुस्क से कवर करना चाहिए। नेक्स्ट द पोल्ट्री सीड्स आर रैप्ड थ्रू एंड दे आर आल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रीडेटर्स लाइक कैट एंड डॉग्स। जो पोल्ट्री सेट्स हैं उसको हमको रैट प्रूफ होना चाहिए और उसको हम प्रीडेटर्स जैसे कि कैट और डॉग्स से क्या कर सकें, प्रोटेक्टेड रख सकें। नेक्स्ट द टेम्परेचर इज द सेट इज मेंटेन्ड बिटवीन नेक्स्ट 34 to 38 डिग्री सी के बीच हमको टेम्परेचर को मेंटेन करना है। नेक्स्ट आता है पोल्ट्री फीड। अब पोल्ट्री फीड में हम देख सकते हैं द पोल्ट्री फीड्स शुड कंटेन ऑल द इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट्स विटामिन्स मिनरल्स एंड वाटर। तो पोल्ट्री फीड्स में बहुत सारी इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा और विटामिन्स के साथ साथ खनिज पदार्थ और पानी वाटर भी मौजूद होते हैं।
पोल्ट्री फीड्स इन्वॉल्व्स मास्ट कीरल्स लाइक व्हीट, में हम गेहूं का इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्के का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्वार, बाजरा, ब्रान ऑफ राइस, ग्राउंड आयल केक्स, फिश मील, मीट मील एंड बोन मील। फिश एंड मीट मील्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेस्टेस ऑफ फिश एंड मीट प्रोसेसिंग सेंटर्स। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व की गई हैं जिसको हम पोल्ट्री फीड के रूप में इन्वॉल्व कर सकते हैं, फिश एंड मीट मील्स। नेक्स्ट, द डेली फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ब्रॉयलर्स आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ लेयर्स। द फूड ऑफ ब्रॉयलर्स इज सप्लीमेंटेड बाई प्रोटीन्स एंड एडिक्वेट फैट। पोल्ट्री फीड मस्ट बी रिच इन विटामिन ए एंड विटामिन के। जो पोल्ट्री का फीड्स है उसमें विटामिन ए और विटामिन के की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकें। पोल्ट्री डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट। पोल्ट्री डिजीज और उसका कैसे हमको मैनेजमेंट करना है उसके बारे में हम देख सकते हैं कि पोल्ट्री बॉट्स नॉट ओनली नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर एंड प्रीडेटर्स बट आल्सो सर्टेन डिजीज। दीज बर्ड्स आर ससेप्टेबल टू मैनी वायरल, बैक्टीरियल, फंगल एंड पैरासिटिक डिजीज। सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड बिलो। पोल्ट्री डिजीज में जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है एंड फंगल डिजीज है। तो बैक्टीरियल डिजीज में फाउल में कॉलरा होता है, डायरिया होता है चिक्स में एंड ट्यूबरकुलोसिस, नेक्रोटिक इंट्रिटर्स, बोटुलिज्म, फाउल, टाइफाइड, इतनी सारी डिजीज इसमें होती है, बैक्टीरियल होती है, जैसे कॉलरा, डायरिया, टीबी, नेक्रोटिक इंट्रिटिस, टाइफाइड, ये सब बैक्टीरियल डिजीज होती हैं जो फाउल्स में होती हैं। वायरल डिजीज में रानी खेत आता है, बर्ड्स फ्लू, फंगल डिजीज, एस्परजिलस एंड प्रिवेंशन ऑफ पोल्ट्री डिजीज। कैसे हम इसको प्रिवेंट करेंगे, इसकी रोकथाम करेंगे, आइए उसके बारे में हम देखते हैं। प्रिवेंशन ऑफ पोल्ट्री डिजीज। पोल्ट्री डिजीज माइट लेड टू ग्रेटर लॉस इफ प्रॉपर मेजर्स आर नॉट टेकन एट दैट राइट टाइम, बट यूजिंग सम सिंपल स्टेप्स मेनी पोल्ट्री डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड। दीज स्टेप्स इंक्लूड, बर्ड्स मस्ट बी केप्ट इन ए क्लीन हाइजीनिक प्लेस, disposable of extra should be maintained properly and regularly, birds must be given a spacious ventilated and bright place, all the animals should be vaccinated to fight against common infectious and disease। कि उनको वैक्सीनेटेड किया जा सके जिससे कि वो इन्फेक्शंस और डिजीज से लड़ सकें। न्यूट्रिशनल डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाई न्यूट्रियट रिच फूड सप्लीमेंट्स इन प्रॉपर क्वान्टिटीज। डिसइंफेक्टेंट्स मस्ट बी स्प्रेड रेगुलरली टू किल पैरासाइट एंड मॉस्किटो। हमको डिसइंफेक्शंस का भी इस्तेमाल करना चाहिए, स्प्रे कराना चाहिए जिससे हम पैरासाइट और मॉस्किटो को निगलेक्ट कर सकें, वहाँ से डिसइंटीग्रेट कर सकें। कंट्रोलिंग ऑफ एक्सटर्नल पैरासाइट मस्ट बी डन बाई अप्लाइंग डाइल्यूट इंसेक्टिसाइड सॉल्यूशंस। उनको एक्सटर्नल पैरासाइट्स को कंट्रोल करने के लिए हम डाइल्यूट इंसेक्टिसाइड सॉल्यूशंस का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ पोल्ट्री। पोल्ट्री फार्मिंग होल्डर्स क्रिएट सिग्निफिकेंट फॉर यूज इन वेरियस वेज, सम ऑफ दीज आर। बहुत सारे इसके उपयोग हैं जैसे कि पहला देख सकते हैं, पोल्ट्री प्रोवाइड्स ह्यूमंस विथ कंपेनियनशिप फूड एंड फाइबर इन द फॉर्म ऑफ एग्स, मीट एंड फेदर्स। सेकंड, द लार्ज पोल्ट्री इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू मेनी पीपल्स। बहुत सारे पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इट इज एन एक्स्ट्रा इनकमिंग ऑप्शन फॉर फार्मर्स। इससे एक्स्ट्रा इनकमिंग आप कर सकते हैं, thus helping them to raise their economically standards. It requires very little investment and can be practiced throughout the year. इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके हम इस उत्पादन को, इस फार्मिंग को यूज़ कर सकते हैं। Eggs and meat are rich but cheap source of protein that we include in our diet. Poultry wastes are rich in nitrogen and other organic materials and hence can be used as fertilizers. जो उसके पोल्ट्री के वेस्टर्स होते हैं उसको हम खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोल्ट्री फेदर्स आर यूटिलाइज फॉर मेकिंग पिलो, फैंसी आर्टिकल्स एंड क्यूरियस। जो उसकी फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं, उसको हम पिलोस बनाने के काम में लाते हैं। और देन हम लास्ट पेज पे जाते हैं, पेज नंबर 6, इस पे है समरी।
The main poultry products, eggs and meat, are of high nutritional value. This is one of the significant reasons for rapid growth in the need for these products. The enormous rise the availability of poultry products is called the silver revolution. Poultry farming is a profitable business with a continuous source of income. Income को source को continue करने के लिए हम इसको little पैमाने पे इस्तेमाल कर सकते हैं. कम investment करना पड़ता है. At it requires less investment compared to rearing other livestock. And any small scale farmers can also run this practice as a side business. बिजनेस जैसे फार्मर हैं तो साइड में इसका भी बिजनेस आप कर सकते हैं. पोल्ट्री इज कैपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग वेस्टेस लाइक ब्रियान सबस्टैंडर्ड ग्रेन्स वेजिटेबल्स विच नॉर्मली गो एज वेस्ट बाय फीडिंग एंड देम दे वे द फार्मर कैन सेव द पोर्शंस ऑफ हिज एक्सपेंस टूवर्ड्स पोल्ट्री फीड. ए प्रॉपरली मेंटेन्ड शेल्टर न्यूट्रिशनस फीड एंड डिजीज प्रिवेंशन मेजर्स कैन एड गुड क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं पोल्ट्री से रिलेटेड. जैसा कि आप देख सकते हैं कि व्हाट आर सम कॉमन डिजीज दैट अफेक्ट पोल्ट्री बर्ड्स. वह कौन कौन सी डिजीज हैं जो पोल्ट्री बर्ड्स को अफेक्ट करती हैं. तो देखिए कॉलरा है, डायरिया है, टीबी है, बोटुलिज्म है, टाइफाइड है, बहुत सारी डिजीज हैं जो इसको इन्फेक्ट करती हैं. आंसर में लिखा गया है. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रूलर्स एंड लेयर्स. तो पोल्ट्री बर्ड्स आर रेयर्ड फॉर देयर एग्स एंड फ्लैश. मीट प्रोड्यूसिंग पोल्ट्री बर्ड्स आर कॉल्ड ब्रूलर्स. जो पोल्ट्री बर्ड्स मीट को प्रोड्यूस करती हैं उसको हम ब्रूलर्स बोलते हैं एंड जो एग्स को प्रोड्यूस करती हैं उसको हम लेयर्स बोलते हैं. तो ये ब्रूलर्स और लेयर्स के बीच अंतर होता है. और तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिक्स टाइप्स ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स. तो आप देख सकते हैं कि जो सिक्स टाइप की पोल्ट्री बर्ड्स हैं वो कौन कौन सी हैं. तो नीचे लिखा गया है, चिकन, टर्की, डक्स, गीज, गिनिया फाउल, स्क्वैप्स. ये सब हमारी पोल्ट्री बर्ड्स हैं जिसका हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इज पोल्ट्री ए टाइप ऑफ फार्मिंग डिफाइंड पोल्ट्री. पोल्ट्री इज ए टाइप ऑफ फार्मिंग है ये. इट इज़ ए रियरिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल, चिकन, गीज, डक्स, टर्की एंड सम वैरायटी ऑफ पिजन फॉर देयर मीट एंड एग्स. देन लास्ट क्वेश्चन, इज मिल्क ए पोल्ट्री प्रोडक्ट. पोल्ट्री प्रोडक्ट का मिल्क है. एग्स एंड मीट आर द मेन टू प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम पोल्ट्री. वी आल्सो गेट फेदर्स दैट आर यूज्ड टू फिल पिलोज. जो उसके फेदर्स होते हैं उसको पिलो को भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. मेक फैंसी आर्टिकल्स, कुछ फैंसी आर्टिकल्स का इस्तेमाल करने के लिए पंखों का उपयोग में लाया जाता है. मिल्क इज ए डेयरी प्रोडक्ट ऑब्टेंड फ्रॉम एनिमल्स लाइक काउस, बफेलो एंड गोट्स. दस इट इज नॉट अ पोल्ट्री प्रोडक्ट्स. जो मिल्क होता है वो डेयरी प्रोडक्ट होता है, वो एनिमल से प्राप्त होता है जैसे कि गाय, भैंस और बकरी. तो इसीलिए ये पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में नहीं आएगा मिल्क. तो इसी के साथ आपका पोल्ट्री फार्मिंग आज समाप्त होता है. थैंक यू वेरी मच. मिलेंगे नेक्स्ट टर्न पे.